वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और मैं अभी आपसे मिल रही हूँ रात के 10 बजे, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना फेस का रूटीन, जिसको मैं फॉलो कर लेती हूँ 15 दिन में या 1 महीने में के गैप में फॉलो कर लेती हूँ। तो मैं वैसे आप सबको पता होगा इसमें 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट होता है क्लिंजिंग, सेकेंड होता है स्क्रबिंग, थर्ड होता है फेस मास्क वगैरह अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपको 4th स्टेप में आना होता है जैसे कि मॉइस्चराइजिंग। तो मैं इनके लिए यूज कर लेती हूँ कभी कभी, किचन के जो भी इंग्रीडियंट्स होते हैं उनसे यूज कर लेती हूँ, और बाकी कभी कभी अगर टाइम नहीं होता है तो मार्केट से ले आती हूँ प्रोडक्ट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ फिलहाल मेरा कैसा रूटीन है, और आप सब भी जरूर बताओ। तो पहला तो यही होता है क्लिंजिंग। तो मैं अभी यूज करूंगी ये फेस वॉश। तो पहला मैं स्टेप पे आती हूँ, तो है क्लिंजिंग फेस वॉश। तो मैं इसको ले लेती हूँ और अपना फेस वेट कर लेती हूँ पहले, उसको लेके फिर मैं अप्लाई करूंगी थोड़ा सा। वैसे लेमन का है तो ये थोड़ा सा डीप क्लीन कर लेता है लेमन, वैसे तो रोज का भी, बट ये माइल्ड है। जैसे अगर कम फेस गंदा हो तो उसके साथ शुरू कर लेती हूँ अभी, जैसे कि ये है इसको। तो आप सबसे पहले इसको लेंगे फेस वॉश को, अगर आप कभी फेस वॉश यूज करते हो तो पहले ये नाक के साइड वाले पोर्शन को और इस साइड के पोर्शन को और यहाँ चिन के नीचे को ज्यादा रगड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, ऑयल जमा हो जाता है। तो पहला स्टेप में ये आ जाता है, ठीक है। तो मैं अभी मिलती हूँ आपसे, ये वॉश कर लूंगी। तब मैंने ये अपना फेस वॉश कर लिया, तब मैं इसको ड्राई हल्का सा ड्राई कर लेती हूँ, फुल ड्राई भी नहीं करती हूँ बट थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ। इसके बाद मैं करूंगी स्क्रब। वैसे पहले मैं करती थी एवरयूथ का, वैसे मैं ज्यादा स्क्रब यूज नहीं करती हूँ। तो पहले फिलहाल मैं ये वाला लेके आई थी, बट मैंने इसके बारे में सुना कि इसमें पैराबिन्स वगैरह ज्यादा है, तो मैंने इसको छोड़ दिया। इसको मैं हैंड्स वगैरह पे यूज कर लेती हूँ, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अभी मैं यूज करूंगी लैक्टोकैलामाइन। फिलहाल मेरी स्किन थोड़ी सी ऑयली है और उसके मेंटस में थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, तो मैंने इसके बारे में काफी पढ़ा था। इसी का मैं यूज करती थी जो आता है पर्पल एंड ग्रीन वाला मॉइस्चराइजर। तो फिलहाल मैंने लैक्टोकैलामाइन का स्क्रब यूज किया। ये काफी माइल्ड है, इसके ग्रैनुल्स देखिए आप कितने वो हैं, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट, ऐसा कुछ फील नहीं होता कि स्किन में टच करेगा। तो मैं अभी स्क्रब करना शुरू कर देती हूँ। तो इसको मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा, हाफ वेट ड्राई अभी मेरा फेस, तो मैं इसको थोड़ा सा ले लेती हूँ अपने हाथ में। थोड़ा सॉरी ज्यादा आ गया, अभी तो जाएगा नहीं बट कोई बात नहीं, नेक पे लग जाएगा। तो इसको लेके थोड़ा सा ऐसे ऐसे से अप्लाई कर लेंगे। अभी ये मिरर थोड़ा सा छोटा है, वैसे दूसरा भी है बड़ा काफी, लेकिन वो थोड़ा सा क्लीन है तो मैं इसको यूज कर रही हूँ। अभी इसको लगा के थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में थोड़ा सा नेक पे भी लगा लेती हूँ, अभी थोड़ा ज्यादा आ गया है, और नोज एरिया पे थोड़ा ज्यादा लगा लेंगे हम, ठीक है। तो इसको ऐसे लेके दोनों ये जो थ्री फिंगर्स है इसको ऐसे लेके रब करना है सर्कुलर मोशन में, कभी भी ऐसे नहीं करना है, तो इससे थोड़ा सा रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, ठीक है। तो इस सबसे ज्यादा मैंने वही बोला था आपको पहले भी कि आपको ये वाला जो एरिया है इस पे ज्यादा करना है फिलहाल, और लिप्स भी कर लेंगे। तो इससे थोड़ी सी स्क्रब का ये रहता है कि इससे डेड स्किन थोड़ी सी निकल जाती है, जैसे टैन वगैरह होती है। तो मैं अभी कर लेती हूँ थोड़ा सा, अभी मैं देखती हूँ 2-3 मिनट्स के लिए करती हूँ, फिर मैं इसको जैसे ये हो जाएगा उसके बाद मैं इसको 2-3 मिनट्स ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी हल्का सा, ताकि फिर मैं इसको ऐसे पील की तरह निकाल सकूँ, ओके। अब मैं आ रही हूँ अपने तीसरे स्टेप पे, जिसका जो है फेस मास्क अप्लाई करना, ठीक है। वैसे पहले तो मैं 9 मार्क्स का यूज करती थी, वो मुझे अब तक का सबसे बेस्ट लगा, लेकिन वो कहीं कहीं पे मिलता है, रेगुलर अवेलेबल नहीं हो पाता है मार्केट में। तो उसके लिए मैं उसके अगर मुझे वो नहीं मिले तो उसके बजाय मैं अभी आती हूँ इस पे। इसको आप फेस क्लिंजिंग के उस पर भी यूज कर सकते हो, फेस मास्क के तौर पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैंने डाला हुआ है फिलहाल 1-2 स्पून, जितनी जितनी क्वांटिटी है उतना उतना आप सेम सब चीज डाल सकते हैं। अभी फिलहाल मैंने इसमें ऐड किया है 1 या 2 स्पून बेसन, ग्राम फ्लोर भी डाल लिया, उसके बाद मैंने 1/2 पिंच लिया इसमें हल्दी, अच्छी वाली हल्दी जो गांठ वाली बोल सकते हैं आप, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है
थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी और इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नीम के पत्ते, क्योंकि पिंपल्स वगैरह का इशू रहता है तो मैंने इसमें नीम के पत्तियाँ भी डाला है मिक्सी में क्रस करके। तो आप देख सकते हैं काफ़ी मिक्सी में क्रस किया तो नहीं दिखाई देंगे। और अभी इसमें लेटेस्ट मैंने ऐड किया है रोज पैटर्न्स, क्योंकि अभी वो वेस्ट पड़े हुए थे मेरे रूम में काफ़ी ज़्यादा, जैसे दिवाली आ गई थी तो रोज पैटर्न्स थे तो मैंने उनको सुखा के मिक्सी में ग्राइंड करके तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। वन जितनी इसकी क्वांटिटी है उतना ही मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ड्राई हो तो इसमें आप मिल्क ऐड कर सकते हैं कच्चा, बाकी मैं तो इसमें रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। तो मैं इसको ले लेती हूँ अभी, वन स्पून इनफ रहेगा आई थिंक, वन स्पून ये ले लेती हूँ, थोड़ा सा और ले लेती हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा गुलाब जल। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ज़्यादा ही ड्राई है तो आप इसमें, मैंने बताया कि मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी, तो ये मैं ले लेती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ ऐसे। अब इससे ये थोड़ा सा गीला हो जाएगा ऐसे, इसको हम इसको इसके जैसे ये दिख रहे होंगे लम्स, तो इसकी ये थोड़ा सा इसको मिक्स करके मैं इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। वैसे तो मैं हाथ से ही लगाना प्रेफर कर लूँगी, वैसे आप कॉटन से या ब्रश से लगा सकते हो बट मुझे नहीं अच्छे लगते हो, हाथ है तो बेटर है, हाथ से अच्छे से लग जाता है। तो मैं इसको लेके ऐसे अभी अप्लाई कर लेती हूँ मैं इसको जस्ट, तो मैं अभी अप्लाई करती हूँ। अब इसको मैंने इसको अप्लाई कर लिया पूरे फेस पे, और इसको जो ये बच गया थोड़ा सा इसको मैं अभी नेक पे अप्लाई कर लूँगी और 15-20 मिनट रहने दूंगी जब तक थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। वैसे नॉर्मली इसको लगाने में कोई इश्यू तो नहीं है बट जैसे अभी मैंने इसमें रोज पेटल्स ऐड किया हुआ है तो थोड़ा सा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिक नहीं हो पा रहा है, नहीं तो नॉर्मली बहुत अच्छा बनता है अगर इसमें चार इन्ग्रीडियंट्स पड़े हो तो। आप यूज़ कर सकते हैं सिंपल भी, बट मैंने सोचा वो रोज़ पेटल्स पड़े हुए हैं तो उनको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ, तो मैंने इसलिए इसको डाल दिया था। अभी मैं इसको अप्लाई करके 15-20 मिनट ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि बोलते नहीं है बीच में। ओके, ये देख सकते हैं मेरी स्किन हो चुकी है पूरी ड्राई, 15 मिनट हो चुके हैं, तो अभी मैं अपना फेस जा रही हूँ वॉश करने। अब मैं अपना फेस धोने के बाद, अच्छे से ड्राई होने के बाद, अब मैं अपना चौथा स्टेप फॉलो करने जा रही हूँ जो कि है मॉइस्चराइजिंग। तो मॉइस्चराइजिंग आपको जरूर करनी चाहिए ये तीन स्टेप फॉलो करने के बाद। अगर आप मॉइस्चराइजिंग छोड़ देते हैं तो आपको तीन स्टेप करने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप मॉइस्चराइजिंग कभी स्किप ना करें, चाहे आपकी स्किन टाइप कोई भी हो तो आप जरूर अप्लाई करें। और अच्छे से फेस ड्राई करने के बाद आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं मॉइस्चराइजर, अच्छी मात्रा क्वांटिटी में यूज करें, कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। तो जैसे कि यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं आप नेक में, तो आप इसको लेके आप ऐसे ऐसे इसको थोड़ा सा मसाज कर लीजिए हल्के हाथों से, तो अच्छे से थोड़ी देर में आपको खुद ही इफेक्ट दिखने लगेगा। और यहाँ पे भी नेक को भी कभी मत भूलिए, मैंने पहले ही बताया था आपको। और उसके बाद आप करेंगे आप लिप्स, लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है, तो कोई भी बाम ले सकते हैं फिलहाल, मैं तो अभी फिलहाल जो अवेलेबल है मेरे पास वो यूज कर लेती हूँ। तो ये है लिप की मॉइस्चराइजिंग, तो ये हो गया अभी मेरा फाइनल स्टेप। ये थे मेरे स्किन केयर से रिलेटेड स्टेप, आप भी फॉलो करते हैं क्या मुझे जरूर बताना। और आपको भी पता होगा कितना टफ होता है साथ के साथ वॉशरूम में शूट करना और साथ के साथ आपके साथ शेयर करना, तो आप मुझे अप्रिशिएशन दे सकते हैं एक लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, और साथ के साथ कमेंट जरूर देना जिससे मुझे पता लगे कि मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा या नहीं लगा। अभी के लिए फिलहाल बाय, मिलेंगे एक अच्छे नए ब्लॉग के साथ।